हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। सो वेलकम ऑल ऑफ यू AMMATHS 12 पे आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। DUIS के इस लेक्चर नंबर 4 में हमने इससे पहले जो फंडामेंटल सीखा था कि लिमिट कॉन्स्टेंट हो, वन पैरामीटर लिमिट कॉन्स्टेंट, टू पैरामीटर और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, तो यहाँ भी वही वर्क करने वाले हैं हम। लिमिट कॉन्स्टेंट बट इंक्लूडिंग द टू पैरामीटर, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे। इसके बाद जो मेरा लेक्चर होगा वो होगा आपका लिमिट पैरामीटर हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन पे सोल्यूशन पे हम बात करें, इस फंडामेंटल क्वेश्चन के प्रूव दैट इनवा ये है फॉलोइंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग टू पैरामीटर्स। सो नाउ प्रूव दैट, दो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ले लिए हैं। फंडामेंटल बेस जो है करना क्या है, ये चीज़ अब इम्पॉर्टेंट रखती है कि हम वर्क डाउन कैसे करते हैं, हमारा वर्क कैसे स्टार्ट होगा। जब व्हेन इंक्लूडिंग द टू पैरामीटर्स दैट केस आप क्या करोगे, ये सोचना आपको इम्पॉर्टेंट है। तो किसी भी एक पैरामीटर के इक्वल टू हम दिए हुए इंटीग्रल्स को कंसिडर कर लेंगे और फिर आगे कंटिन्यू प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, जैसे हम इसे पहले लेक्चर में करते आए हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे टू पैरामीटर, हियर लैम्डा इज द कॉन्स्टेंट, लैम्डा इज नॉट पैरामीटर, ध्यान रखिएगा हियर दैट केस इन दैट क्वेश्चन लैम्डा इज नॉट पैरामीटर, लैम्डा इज द कॉन्स्टेंट बट ए एंड बी द पैरामीटर्स। सो एनी वन कंसिडर कि आई ए इज इक्वल टू या आई बी इज इक्वल टू, यू आर फ्री, टोटली फ्री आप है, कोई भी किसी को मान सकते हैं आप, किसी भी पैरामीटर इक्वल टू दिए हुए इंटीग्रल को सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। सो जैसे फर्स्ट ये क्वेश्चन नंबर वन है टू, तो वन के सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो हम सब्सटीट्यूट कर लें आई ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट कॉस लैम्डा एक्स अपॉन एक्स ई पावर ऑफ माइनस ए एक्स e power of minus bx bracket close dx, this is one. अब integrating with, sorry, तो differentiating with respect to parameters, ठीक है, differentiating one with respect to a, ध्यान रखिएगा a is the parameter है, so left hand side d by da I of a, right hand side d by da, 0 to infinite cos lambda x upon x e power of minus ax minus e power of minus bx dx, ठीक। so apply here, apply DUIS, differentiation under integral sign को जैसे ही आप implement करेंगे ये इनसाइड आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव में, जीरो टू इनफाइनाइट, तो पार्शियल डेरिवेटिव डेल बाई डेल ए ई पावर ऑफ माइनस ए एक्स माइनस ई पावर ऑफ माइनस बी एक्स कॉस लैम्डा एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अब इंपॉर्टेंट थिंग समझिएगा स्टूडेंट्स की, ये देखिए विथ रिस्पेक्ट टू ए है, मतलब बी कॉन्स्टेंट एक्स कॉन्स्टेंट, हियर बोथ आर कॉन्स्टेंट, तो बोथ कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए, लेफ्ट हैंड साइड इज आई डैश ए, राइट हैंड साइड आ जाइए देख लीजिए हियर वर्क ई पावर ए एक्स इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर ऑफ माइनस ए एक्स इंटू माइनस ऑफ एक्स, एक्स के ए के रिस्पेक्ट में तो माइनस एक्स आ जाएगा, कॉस लैम्डा एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, तो एक्स कैंसल माइनस जीरो टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस ए एक्स कॉस लैम्डा एक्स डी एक्स दैट वैल्यू आई डैश ए, दिस इज टू। अब नेक्स्ट थिंग हाउ टू कैलकुलेट इज इम्पॉर्टेंट, तो अब यहाँ पे हमें फार्मूले हमें पता होना चाहिए कि ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ई पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए कॉस बी एक्स माइनस प्लस बी कॉस बी साइन बी एक्स, ये हमारे पास फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट को फाइंड आउट करना है, तो आइए देखते हैं। दिस इज आई डैश ए,
तो e पावर ऑफ माइनस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, ये रिजल्ट मिल जाएगा। माइनस सिंबल ये है, माइनस अपने आप यहाँ पे हम लगाए रखेंगे। इनसाइड ए कॉस बी एक्स, ए मतलब ये माइनस ए, कॉस बी एक्स मतलब कॉस ऑफ लैम्डा एक्स, प्लस ध्यान रखिएगा प्लस बी, मतलब बी मतलब लैम्डा, लैम्डा साइन लैम्डा एक्स, ठीक। और टोटल की लिमिट की बात करें, सो दिस इज जीरो टू इनफाइनाइट। हियर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस ए कॉस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा साइन लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर ऑफ ए एक्स जीरो टू इनफाइनाइट। अब सही है, अब जैसे इंप्लीमेंट कर देंगे इस पे, तो देखिए माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर नो प्रॉब्लम। इनसाइड जब इनफाइनाइट पुटअप करेंगे तो नंबर अपॉन डी इनफाइनाइट इट विल बी जीरो, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और माइनस है, ध्यान रखिएगा माइनस ए कॉस लैम्डा, तो जीरो रखेंगे जीरो हो जाएगा माइनस ए एंड प्लस ए, तो क्या मिल जाएगा हमें, आई डैश ए इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। ये रिजल्ट हमें फाइंड आउट होगा। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क, ये डी आई ए ओपन कर दीजिए और यहाँ हो जाएगा माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर डी ए, ठीक, क्योंकि आई डैश हमारा क्या है, ये है। तो अब इंटीग्रेटिंग कंसेप्ट, इंटीग्रेट जैसे ही करेंगे तो यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू ए है, सो डी आई ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर डी ए, डी ए के रिस्पेक्ट में है, ध्यान रखिए जैसे डी ए के रिस्पेक्ट में है, तो ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला यहाँ पे हम फार्मूला इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स लॉग एफ ऑफ एक्स, इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। तो इंप्लीमेंट करने के लिए 2a हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 की ज़रूरत है, तो 2 का एडजस्टमेंट कर दीजिए। I ऑफ a इज इक्वल टू माइनस 1 बाई टू हियर 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर d लैम्डा प्लस c। I ऑफ a इज इक्वल टू माइनस 1 बाई टू लॉग a स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस c। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2, 3। अब इस c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, c की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लें कैसे, पुटिंग चूंकि आई ए इज इक्वल टू हमने कंसिडर किया है, तो हम मान लेंगे कि आई ए इज इक्वल टू है, तो पुटिंग a इक्वल टू b, पुटिंग a इक्वल टू b, a इक्वल टू b पुटअप करके इसको इंप्लीमेंट कर लें। देखिए a इक्वल टू b, तो आया b 1 बाई टू माइनस लॉग बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस सी, दिस इज 4। बट आई बी इज वॉट, हाउ टू फाइंड द आई बी, क्योंकि आई बी के बिना वर्क नहीं होगा, तो जो हमने ये आई ए माना हुआ है इसी में हम वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हमें क्या करेंगे, पुटिंग a इज इक्वल टू b पुट कर दीजिए, आई ऑफ b इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट cos लैम्डा x अपॉन x e पावर ऑफ माइनस बी एक्स e पावर ऑफ माइनस बी एक्स डी एक्स, सो इट विल बी जीरो। तो i b जीरो, तो अब हम बोलेंगे फ्रॉम 4, कहाँ पे, ये फ्रॉम 4 जो हमारा है, तो i b इज इक्वल टू जीरो है, मतलब जीरो इक्वल टू माइनस वन बाई टू लॉग बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस सी, तो सी इक्वल टू वन बाई टू लॉग बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी वेयर इन इक्वेशन नंबर 3,
3 में पुट अप कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन 3. Putting the value of C in 3. In equation number 3. So 3 is here. I of A is equal to minus 1 by 2. Yahan hai log A square plus lambda square plus 1 by 2. Aur yahan pe log B square plus lambda square. Thik? 1 by 2 is common और इसको हम लिख सकते हैं log b square plus lambda square upon a square plus lambda square I of a proved. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 by 2 common कर लीजिए, फिर log m upon n, log m minus log n वाला formula implement करके इसको हम simplify कर पाएंगे. तो ये है fundamental concept इस क्वेश्चन का. तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की बात करते हैं थोड़ा. तो सेम प्रोसेस, सेम फंडा यहाँ पे हमें अप्लाई करना है. देखिए, तो इसको हम फिर से वही करेंगे. आई ऑफ ए इज इक्वल टू मान लेंगे, आई ऑफ ए जैसे ही मानेंगे 0 टू इनफाइनाइट, 1 बाई एक्स है, दिस इज टेन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस टेन इनवर्स एक्स बाई बी डी एक्स. ओके, पार्सल पैरामीटर इज ए, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए, सो आई डैश ए इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ऑफ डेल बाई डेल ए, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स. ठीक, ये है थोड़ा अभी डायरेक्टली वर्क हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ए. 0 टू इनफाइनाइट ये मिल जाएगा आपका, ये 0 हो गया 0, बट ये मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर इंटू एक्स और इंटू माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू ए है ये हो गया, और इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स. ठीक, तो अब कैंसलेशन टर्म जो होगा वो कैंसिल कर लीजिए, एक्स कैंसल, 0 टू इनफाइनाइट ये हो गया आपका ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, एंड इंटू माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर डी एक्स, सो दैट वैल्यू इज कैंसल आल्सो. आई डैश ए इज इक्वल टू माइनस 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये मिल जाएगा हमें टोटल वैल्यूज. तो इसका इंटीग्रेशन हम जैसे कर देंगे, ये मिल जाएगा हमें 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए लिमिट 0 टू इनफाइनाइट. तो आई डैश ए इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है, माइनस 1 अपॉन ए टैन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टैन इनवर्स 0, ये हो गया पाई बाय टू, तो माइनस पाई बाय टू ऑन अपॉन ए और दिस इज आई डैश ए. ठीक, इसको ओपन कर दीजिए, डी आई ए बराबर माइनस पाई बाय टू 1 अपॉन ए डी ए इंटीग्रेटिंग. तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो डी आई ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस पाई बाय टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए डी ए आई ऑफ ए माइनस पाई बाई टू लॉग ऑफ ए प्लस सी, ये कोई कांस्टेंट हम जोड़ लेंगे तो दिस इज 2, ठीक है, ये हमारा 1 है. अब 2 सी का मान हमें निकालना है, ये ध्यान रखिएगा. तो पुटिंग ए इक्वल टू बी, सो आई ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग बी प्लस सी 3, ये 3 हो गया. अब देखिए रिजल्ट जो है स्टूडेंट्स क्या करना है, बी की वैल्यू कहां से निकली, आई बी की वैल्यू यहां से, तो पुटिंग ए इज इक्वल टू बी इन 1, तो 1 में यहां पे जैसे पुट अप कर देंगे
तो यहाँ पे मिल जाएगा लेफ्ट में आई बी और राइट हैंड साइड जीरो, क्योंकि यहाँ बी अपॉन एट विल बी जीरो, तो ये जीरो मतलब सी जीरो, ठीक है, सी जीरो मिल जाएगा, तो सॉरी सी जीरो नहीं मिलेगा, आई बी जीरो है ना, तो फ्रॉम थ्री सी इज इक्वल टू मिल जाएगा पाई बाई टू लॉग ऑफ बी, ये मिल जाएगा पाई बाई टू लॉग ऑफ पी. तो नेक्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ सी इन टू, सो आई ऑफ ए फ्रॉम टू, तो आई ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग ए प्लस पाई बाई टू लॉग ऑफ बी, पाई बाई टू कॉमन और ये हो जाएगा लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ ए, सो दिस इज पाई बाई टू लॉग ऑफ